गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में बिफोर वेकेशंस जो एक्सरसाइज 1D है वो फिनिश की थी, और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे और उसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. बेसिकली इसमें भी डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस ही हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 में इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 6 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्सप्रेस करें y इन टर्म्स ऑफ x सबसे पहले, और उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है जब x हो जाए 11, और उसके बाद x फाइंड करना है जब y हो जाए 12. अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें तो हम सबसे पहले उसे क्या बताएंगे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और इसका मतलब है हमारी इक्वेशन a क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू kx. सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम x और y दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे. अब इक्वेशन नंबर ए में जब हमने पुट की तो 2, 3 जा 6 होता है, तो k की वैल्यू आगे 3. अब k की जो वैल्यू 3 है इसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, और वो जगह y इज इक्वल टू 3x जो कि हमारी इक्वेशन नंबर बी है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन भी है. इसी तरह सेकंड पार्ट में देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो जाए 11. इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 11 को हम पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर बी में. इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 × 11, और 3 × 11 = 33, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3. सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे जब y की क्या हो जाए वैल्यू 12. तो हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 12 को b में पुट कर देंगे. जब हमने इसको इक्वेशन नंबर b में पुट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 12 इज इक्वल टू 3x, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और 3 को जब हम कटिंग करेंगे तो 3 × 1 = 3, और 3 × 4 = क्या होता है 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4. इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर जो रिमेनिंग आपका क्वेश्चन होगा, जो भी डिफिकल्टी होगी, वो हम जूम क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. थैंक यू.